गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। हम बीए पार्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार हम दो पेपर बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसमें अपने दो पेपर होते हैं। तो दूसरा जो पेपर है भारतीय संस्कृति वाला, उसमें बहुत सारे टॉपिक हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए, हमारी जो प्राचीन व्यवस्थाएं उनसे जुड़े हुए टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, और एक आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हमने प्लासी के युद्ध का चर्चा की थी, ब्रिटिश कंपनियों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, 1857 के विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। और इस भारतीय संस्कृति वाला जो हमारा पेपर है बीए पार्ट थर्ड ईयर, इसमें जो हमारे टॉपिक हैं वो टोटली भारतीय संस्कृति, धर्म, इनसे जुड़े हुए टॉपिक हैं। इसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था इससे पहले पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ क्या है। अब उन्हीं पुरुषार्थ से जुड़ी हुई अगली कड़ी है आश्रम व्यवस्था। देखिए, हर टॉपिक इस जो अपना सेकंड पेपर है इसमें पूर्ण रूप से कम्प्लीटली जो जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको पहला समझ में आया तो दूसरा समझ में आएगा, दोनों को एक दूसरे से कोरिलेटेड आप लोगों को करना है, ठीक है। और बहुत इजी प्रश्न यहाँ से आते हैं, छोटे प्रश्न कैसे आएंगे, बड़े प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कम्प्लीटली मैं इनकी चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि एक चीज़ को, कि वास्तव में इनका तात्पर्य यहाँ पे क्या है, कैसे क्या प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो देखिए, भारत में आश्रम प्रणाली क्या थी, इसके प्रकार क्या हैं और महत्व क्या है, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। एक बड़ा टॉपिक है, दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आश्रम प्रणाली थी क्या, मतलब इसका महत्व क्या था, प्राचीन जो भारतीय संस्कृति उसमें आश्रम प्रणाली को प्रारंभ क्यों किया गया, यानी हमारी जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी वो बड़ी वैज्ञानिक थी। उनका आधार ये था कि पूरे जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जिस जीवन अवधि में हमें जो कार्य करना है वही कार्य हम करें, मतलब एकदम से कार्य विभाजन की जो वर्तमान व्यवस्था आप देखते हैं औद्योगिक प्रणाली के तहत, वही कार्य विभाजन की व्यवस्था आज से कितने हजार वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे मतलब धर्मकारों ने, हमारे जो भी मतलब जिन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई, समाज की जो संरचना बनाई, उन्होंने कितनी सुंदर व्यवस्था की। ये अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय व्यवस्थाएं थी जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें इस अवधि में ये कार्य करना है, इस अवधि में ये कार्य करना है, बहुत बड़ी बात थी। तो वही आश्रम प्रणाली थी कि पूरे जीवन को चार भागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक चार भागों में एक कि कौन से भाग में हमें क्या करना है ये पहले से निर्धारित हो, तो कहीं मन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी कि मुझे 25 वर्ष ये करना है, 25 वर्ष ये करना है, 25 वर्ष ये करना है और 25 वर्ष ये करना है। तो पूरा जीवन बड़ा व्यवस्थित था, इसलिए प्राचीन जीवन में तनाव जो था वो बहुत कम होता था। आज हमारे जीवन में तनाव आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है, हमारा कार्य विभाजन व्यवस्थित नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राचीन व्यवस्थाओं से, भारतीय संस्कृति से ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं और हमें सीखनी भी चाहिए। तो आज के टॉपिक में देखिए, भारत में आश्रम प्रणाली क्या थी, इसका प्रकार और महत्व क्या था, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रम थी, ठीक है, ये आश्रम है जो वर्ण के साथ संबंधित हैं। किसके साथ संबंधित हैं? वर्ण के साथ संबंधित हैं, याद रखना, ये थोड़ा सा आपको समझना है, वर्ण के साथ ये संबंधित हैं। आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंधित है, मतलब मनुष्य जीवन का प्रशिक्षण कैसे होगा, मनुष्य को किस समय क्या करना है, इसको ये व्यवस्थित करते हैं। जो संसार की सामाजिक विचारधारा की संपूर्ण इतिहास में अद्वितीय है, मतलब ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी देश में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, इस प्रकार से पूरे जीवन को चार भागों में बांटा गया। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य जीवन एक प्रकार से प्रशिक्षण व आत्म अनुशासन का है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे चार चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, पूरे जीवन को एक प्रकार से प्रशिक्षण माना गया, ट्रेनिंग माना गया है। और ये ट्रेनिंग जो होगी वो चार भागों में एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से होगी। वो कैसे होगी समझिए, यह प्रशिक्षण की चार अवस्थाएं हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने ही बनता है कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हमने पुरुषार्थ शब्द की उत्पत्ति की चर्चा की, तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत की श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। यानी हम अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, वही आश्रम है। तो ये परिश्रम करने से निकला है शब्द है। तो आश्रम वह स्थान है जहाँ क्या किया जाए, प्रयास किया जाए।
तो आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संस्कृत की श्रम धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है प्रयास या परिश्रम या प्रयास करना। और ये वो स्थान है जहां पे हम प्रयास करते हैं जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ये एक प्रकार से क्या हो गया? हमारा आश्रम हो गया। ये क्या हो गया? हमारी आश्रम व्यवस्था एक प्रकार से हो गई। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखिए, मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहां पे आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। मतलब हमारा आगे वाला जीवन कैसा होगा, इसका उद्देश्य है आश्रम व्यवस्था। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। सब मैंने पुरुषार्थ में जैसे आप लोगों को बताया था कि जीवन का चरम लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष है, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था उसी मोक्ष की प्राप्ति में, उसी अंतिम यात्रा में कहीं ना कहीं हमारी सहायता करेंगी। प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को क्या कहा? विश्राम स्थल बताया है कि वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट तो आप पहुंच नहीं सकते, तो आपको कुछ कुछ पड़ाव ऐसे पार करने पड़ेंगे। और वो जो पड़ाव हैं, जो विश्राम स्थल हैं, वो हमारे क्या हैं? आसन व्यवस्था हैं। आसन व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार पुरुषार्थ हैं, जो आश्रमों के माध्यम से, यानी आसन व्यवस्था किससे जुड़ी हुई है याद रखना, पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबद्ध कर उनकी व्यवस्था था संचालन में क्या प्रदान करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। एक ओर जहां मनुष्य आश्रम के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों का उपभोग करता है और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है पुरुषार्थों के माध्यम से, और दूसरी ओर व्यवहार में वह समाज के प्रति, दूसरी ओर क्या करता है? व्यवहार में वह समाज के प्रति इनके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। क्या करता है? अपने जीवन में कर्तव्यों को पूरा करता है। किसके अनुसार? आश्रम व्यवस्था के अनुसार। तो ये पुरुषार्थ का मनोवैज्ञानिक आधार भी है, हमारे पुरुषार्थ को प्राप्ति के जीवन के विश्राम स्थल भी हैं। कौन है? आश्रम व्यवस्था। तो यहां जो पहला प्रश्न आपके सामने बनता है वो क्या बनेगा? आश्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? आश्रम शब्द से आप समझते क्या है, ठीक है? ये पहला प्रश्न आपके सामने बनेगा। तो आश्रम शब्द का अर्थ क्या हो गया? परिश्रम या प्रयास करना। मोक्ष प्राप्ति के विश्राम स्थल है, पुरुषार्थ की प्राप्ति के मनोवैज्ञानिक आधार है। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है, यानी चार अवस्थाएं होगी, जिनमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। महाभारत में वेदव्यास ने आश्रमों को ब्रह्मलोक तक पहुंचने के मार्ग में चार सोपान व्यक्त बताया है। यानी वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि एक प्रकार से चार सोपान है। भारतीय विचारकों ने चतुर आश्रम व्यवस्था के माध्यम से परवर्ती और निवर्ती, ये दो शब्द आते हैं याद रखना, परवर्ती और निवर्ती। परवर्ती मतलब कि लौकिक कार्य में हम व्याप्त रहते हैं, परवर्ती मार्ग है। और निवर्ती का मतलब होता है कि हम सांसारिक जीवन से एकदम से हट जाएं, ये हमारा निवर्ती मार्ग है। तो परवर्ती और निवर्ती दोनों के मध्य संतुलित समन्वय स्थापित करते हैं वो कौन करती है? आश्रम व्यवस्था करती है। आश्रमों की उत्पत्ति के विषय के संबंध में बहुत मतभेद है। रिच डेविडस जैसे विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि आश्रमों का प्रचलन बुद्ध के बाद अर्थात पिटकों की रचना के बाद हुआ। तो रिच डेविडस जैसे जो पाश्चात्य विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि आश्रम जो व्यवस्था थी उसका प्रचलन महात्मा बुद्ध के बाद, यानी जो हमारे त्रिपिटक रचना हुई उसके पश्चात हुआ होगा, क्योंकि इन त्रिपिटकों में कहीं भी आश्रम व्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन ये मत हमें असंगत लगता है, हम इससे सहमत नहीं हैं। यानी कि आश्रम व्यवस्था महात्मा बुद्ध के समय से भी प्राचीन मानी जाती है। तो रिच डेविडस का व्यक्तिगत मत था कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। आपको इतना ज़्यादा इस पर मतलब उत्पत्ति संबंधी मत जब पूछ लेता है तब आपको इनका जिक्र बताना है कि रिच डेविडस ने क्या कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद संभवतः आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ होगा। लेकिन सामान्य रूप से यदि पूछता है तो आपको बताना है कि आश्रम व्यवस्था एक बहुत प्राचीन व्यवस्था थी। आगे अपन चर्चा कर रहे हैं इसकी। आगे देखिए, कारण है कि उत्तरवेदी कालीन ग्रंथों में आश्रमों का यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त करते हैं। यानी उत्तरवेदी काल जो ग्रंथ है वहां पे हमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला है। ब्रह्मचर्य आश्रम का हमें उल्लेख मिला है, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम का हमें उल्लेख मिला है। तो कहीं ना कहीं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उत्तरवेदी काल में मिल जाता है। और उत्तरवेदी काल में जब इनकी उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, इसका मतलब निश्चित रूप से हमें इस चीज को समझना है कि ये एक बहुत प्राचीन व्यवस्था कहीं ना कहीं थी। ऐत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है उत्तरवेदी काल के, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वैदिक काल में ही एक प्रकार से आश्रम व्यवस्था का प्रचलन उल्लेख मिल जाता है। जाबालोपनिषद में हमें सबसे पहले चारों आश्रम व्यवस्था का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। छोटा प्रश्न यदि पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि चारों आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जाबालोपनिषद में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए,
ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रम की कल्पना उपनिषद काल में ही हो गई थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते व्यवस्था पूर्णतः प्रतीत, सूत्र काल में कंप्लीटली हमें इसका पूर्ण वैधानिक रूप से किसके क्या कर्तव्य होंगे, ब्रह्मचर्य कर्तव्य वानप्रस्थ, तो ये कंप्लीटली वर्गीकरण जो मिलता है वो सूत्र काल में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सूत्र काल में ये व्यवस्था एकदम से स्थापित हो चुकी थी, जबकि उत्तर वेदी काल में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन कंप्लीटली व्यवस्था संभवतः वहाँ उस समय इतनी प्रतिष्ठित जो सूत्र काल में थी वैसी नहीं दिखती है। स्मृति काल में भिन्न आश्रमों की विधि विधान निर्धारित किए गए कंप्लीटली, कौन सा कार्य क्या करेगा, ब्राह्मण क्या करे, मतलब हर वर्ण क्या करेगा, ब्रह्मचारी क्या करेगा, वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य क्या होंगे, मतलब हमारी पूरी दिनचर्या का व्यवस्थित उल्लेख जो मिलता है वो सूत्र काल से लेकर स्मृति काल, इन स्मृति काल में कंप्लीटली इसका उल्लेख मिलता है। लगता है चारों आश्रमों का विधान एक साथ नहीं हुआ होगा, यानी अलग अलग समय में, शुरुआत में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो हो सकता है कि धीरे धीरे एक अनवरत व्यवस्था, एक विकसित व्यवस्था के तहत इनका उल्लेख हुआ हो, वो एक अपने आप में एक इतिहास का विषय है, याद रखना। आगे देखिए, प्रारंभ में मात्र दो आश्रम थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, ठीक है, तत्पश्चात वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम का विधान किया गया। संन्यास की उत्पत्ति निश्चित रूप से अवैदिक श्रमण विचारधारा के प्रभाव से हुई थी, ये याद रखना, श्रमण, अवैदिक श्रमण विचारधारा के प्रभाव से संभवतः वान आपका संन्यास आश्रम की उत्पत्ति होगी। सूत्र काल तक समाज में आश्रम व्यवस्था पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई, तो उल्लेख उत्तर वेदी काल में मिलता है, ज्वालोपनिषद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है, लेकिन ये प्रतिष्ठित कब हुई, तो ये सूत्र काल में जाके स्मृति काल में कंप्लीटली प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों के नियम निर्धारित किए गए। एमएल बासम की धारणा है कि हिंदू समाज में आश्रम आदर्श रूप में तथा व्यवहार में इनका पालन कम हुआ, किंतु विचार उचित नहीं प्रतीत होता। हिंदू शास्त्रकारों ने इस बात पर बल दिया है कि चारों आश्रमों का पालन क्रम से किया जाना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है, कौटिल्य क्या लिखता है अर्थशास्त्र में, देखिए कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाए। राजा का कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया कि वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करवाए। इनके उल्लेख से समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, इनका पालन नहीं होगा तो समाज में विखंडन होगा, अव्यवस्थाएं होगी, जो वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। संसार का नाश होता है, वर्णाश्रम नियमों के पालन से संसार की उन्नति होती है, कहाँ लिखा गया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि इनका पालन हुआ होने से समाज एक अच्छा रूप धारण करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्म का आचरण न केवल समाज में संतुलन बनाए रखने अपितु इनकी उन्नति के लिए भी अभीष्ट था। अभीष्ट का मतलब जरूरी था, अनिवार्य था, आवश्यक था, किंतु धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित चतुराश्रम व्यवस्था के नियमों का पालन प्राचीन इतिहास के सभी कालों में समान रूप से किया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्व मध्य काल तक आते थे, हम इसमें कुछ परिवर्तन पाते हैं। इसका कुछ पुराण और विधि ग्रंथ विधान करते हैं कि कलयुग में दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य पालन और वानप्रस्थ में प्रवेश से बचना चाहिए। बाल विवाह के प्रचलन के काल में भी ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हुआ, तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं थोड़ी कमजोर हुई, वर्तमान में हम देख रहे हैं कंप्लीटली कमजोर हो गई। शंकर तथा रामानुजन ने इस बात का उल्लेख किया है कि साधनों के अभाव और निर्धनता के कारण अधिकांश व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन इतिहास के अंतिम काल तक आते थे व्यवस्था कुछ विशेष वर्गों तक, कुलों तक सीमित हो गई, बाकी ने इसका पालन नहीं किया। आश्रमों का पुरुषार्थों के साथ घनिष्ठ संबंध माना गया है। ब्रह्मचर्य में धर्म प्रमुख रहता है, याद रखना, ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म की पूरी शिक्षा मिलती है। इसके द्वारा ब्रह्मचारी अर्थ और काम पर नियंत्रण स्थापित करते हुए जीवन यापन करते हैं, मोक्ष का महत्व भी इसी समय वह जान लेता है। तो हर पुरुषार्थ आश्रम के साथ जुड़ा हुआ था, यानी अपना जो गृहस्थ, अपना जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वहाँ जो धर्म पुरुषार्थ रहेगा वो कौन सा रहेगा, धर्म रहेगा, याद रखना। तो ये स्पेशली आपको याद है, गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम प्रधान साध्य होते हैं, याद रखना। गृहस्थ आश्रम का संबंध किस पुरुषार्थ से, अर्थ और काम से। यहाँ मनुष्य धर्मानुसार उनका उपभोग करता है, धर्म अर्थ काम के उच्छृंखल उपयोग को रोकने में सहायक होता है। वानप्रस्थ में धर्म और मोक्ष साध्य होते हैं, और प्रथम स्थान किसका रहता है, धर्म का रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, संन्यास आश्रम में एकमात्र मोक्ष एकमात्र साध्य होता है, धर्म इसी में विलीन हो जाता है। वस्तुतः मोक्ष को प्रत्येक आश्रम में जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों कार्य अलग होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा आज जो हमने पढ़ा उसका सारांश क्या है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, परिश्रम प्रयास करना। आश्रम एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक जीवन का आधार था, पूरे जीवन को व्यवस्थित बनाते थे कि किस कार्य में क्या हमें कार्य करना है, एक प्रकार से कार्य विभाजन व्यवस्थित करते थे, ठीक है। इनसे हमारे पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायता होती थी, समाज में एक संतुलन बना रहता था, ठीक है। प्रत्येक आश्रम के साथ एक पुरुषार्थ जुड़ा हुआ था। ऋषि डेविडेश ने इसकी उत्पत्ति के संबंध में बताया है, लेकिन उसकी उत्पत्ति संभवतः उत्तर वेदी काल में हो गई थी और सूत्र काल में और स्मृति काल में कंप्लीटली व्यवस्था प्रतिष्ठित हो चुकी थी। आपको समझना है और अंतिम रूप से समझना है कि जो पुरुषार्थ हैं, कि जो अपना ब्रह्मचर्य आश्रम है वहां धर्म नामक पुरुषार्थ होगा, गृहस्थ जो आश्रम होगा वहां अर्थ और काम पुरुषार्थ प्रधान होते हैं, और जो वानप्रस्थ आश्रम अपना होता है वहां पे किस प्रकार से मुख्य रूप से जो होता है वो धर्म भी रहता है
और स्पेशली मोक्ष के लिए, हम धर्म और मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में प्रथम स्थान धर्म का ही रहेगा वानप्रस्थ आश्रम में, और संन्यास आश्रम में जो एक हमारा प्रधान साक्ष्य होता है वो क्या होता है, मोक्ष होता है। किसमें? संन्यास आश्रम में। तो प्रत्येक आश्रम से एक पुरुषार्थ जुड़ा हुआ था। ये इस वीडियो के माध्यम से आज हमने तीन बातें समझी हैं। इसके अगली कड़ी के रूप में हम चारों आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद निश्चित रूप से।